मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट नरम दही बड़ा बनाने का ऐसा नया अनोखा तरीका जिसे देखते ही आप भी हो जाएंगे हैरान। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुधुसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कप सफेद उड़द की दाल लिया हुआ है। ये साबुत उड़द की दाल है, इसकी जगह पर आप टुकड़े वाले उड़द दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस दाल को हम एक बोल में डाल देंगे और इसके ऊपर तक पानी भरेंगे और 2 से 3 बार दाल को अच्छी तरह से धुलते जाएंगे, पानी को छानकर हटाते जाएंगे जब तक कि जो सफेद सफेद पानी आना बंद नहीं हो जाता। दाल को धुलकर हमने पानी हटा दिया, अब इसके ऊपर तक पानी भर देंगे, ढक्कन लगाकर इसे रात भर के लिए या फिर 6 से 7 घंटे के लिए किनारे रख देंगे। 6 से 7 घंटा या फिर रात भर के बाद पानी को छानकर हटा देंगे, दाल अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें आधा दाल को डाल देंगे, पूरा दाल अभी नहीं डालेंगे। इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच पानी, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी का प्रयोग नहीं करना है, बस आधा चम्मच या 1 चम्मच पानी डालेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसे हम पीस लेंगे। पीसते समय 1 से 2 बार चलाते रहेंगे, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इस तरीके से इसे हमें पीस लेना है। पीसने के बाद इस तरीके से चेक कर लीजिएगा, इसे आटे की तरह नहीं पीसना है, थोड़ा सा इसमें 1-2 रवा होना चाहिए दाल का। इसे एक बर्तन में निकाल देंगे और बचे हुए दाल को भी इसी तरीके से हम पीस लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 1/4 कप मूंग दाल को भिंगो कर रात भर के लिए छोड़ दिया था, पानी छान कर हटा दिया, दाल अच्छी तरह से फूल चुका है। अब ये पीसे हुए उड़द की दाल में मूंग दाल को डालकर इसे भी हम बारीक पीस लेंगे। तो उड़द दाल और मूंग दाल को जब हम आपस में मिलाकर पीसते हैं ये दाल अच्छी तरह से नहीं पीस पाता, क्योंकि उड़द दाल को पीसने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो आप 2 बार में इस तरीके से दाल को पीसिएगा। अब पूरे दाल के बैटर को हम इकट्ठा कर लेंगे, हाथ में पानी लगा लेंगे यानी कि गीला कर लेंगे और इसी तरीके से हम 5 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घुमाते हुए फेटेंगे। तो जैसे मलाई वगैरह मथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे फेटना है, एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घुमाते हुए। और 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ना, ये बिल्कुल हल्का हो गया है। हाथ में लेकर इस तरीके से उल्टा करके देखेंगे तो ये हाथ में चिपका हुआ है, ये देखिए। अगर ये भारी रहेगा यानी कि अच्छे से फिटा नहीं रहेगा तो नीचे टपक जाएगा, इसकी यही पहचान है। ये काफी हल्का है इसलिए हाथ में चिपका हुआ है। इस बर्तन को अगर आप उल्टा करेंगे इस तरीके से तो ये देखिए बैटर नीचे नहीं गिरेगा, काफी हल्का है। तो इस तरीके से जब आप बैटर को 4 से 5 मिनट तक फेंट लीजिएगा तो चेक कर लीजिएगा, ये काफी हल्का है, ये देखिए। तो इस तरीके से अगर आप दही बड़े बनाएंगे तो आपके दही बड़े काफी सॉफ्ट बनेंगे और काफी जालीदार बनेंगे। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हमने कप में पानी लिया और 1-2 पकौड़े को इस तरीके से काट करके चेक करेंगे। तो पकौड़ा काटते ही ये ऊपर आ जा रहा है, इसका मतलब कि बैटर हमारा पूरी तरह से फेट चुका है। अब इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए किनारे रख देंगे। यहाँ हमने एक छोटा सा टिफिन बॉक्स लिया हुआ है यानी कि कटोरा, इसके ऊपर हम छलनी रख देंगे और यहाँ हमने 0.5 लीटर यानी कि 0.5 किलो ये दही लिया हुआ है। इसे इस तरीके से छान लेंगे ताकि इसमें से जो गुठलियाँ वगैरह हो वो निकल जाए और दही एक बराबर हो जाए। अब इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच मलाई, जिससे कि दही थोड़ा सा क्रीम टाइप का हो जाएगा। दोनों को अच्छी तरह से इस तरीके से छलनी में छान कर मिक्स कर लेंगे और इसे किनारे रख देंगे। अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। 5 मिनट हो गया, बैटर हमारा फूल चुका है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसे हम ज्यादा नहीं फेटेंगे। यहाँ पर हमने एक हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक के टुकड़ों को बारीक काट करके लिए इसे डाल देंगे, सबसे लास्ट में डालेंगे और हल्के हाथ से इसे मिला देंगे। 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। तो बहुत लोग जीरा नहीं पसंद करते हैं तो नहीं डालते हैं, लेकिन जीरा आप जरूर डालिएगा, इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है। यहाँ पर हमने गैस में एक बड़े से टिफिन बॉक्स में 1/2 बर्तन पानी गर्म कर लिया, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा हींग डालेंगे और दोनों को अच्छी तरह से घोल लेंगे। पानी हल्का सा गर्म है, गैस को बंद कर देंगे, पैन गरम करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी हुई लाल मिर्च को तोड़ करके और 0.5 चम्मच अजवाइन डालेंगे और धीमी आंच पर इसे हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही ये मसाला ठंडा हो जाएगा मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच स्वाद के अनुसार सफेद नमक और 1 छोटा चम्मच काला नमक, साथ में डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग डालेंगे और 0.5 चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर या फिर अमचूर पाउडर डालकर इसे बारीक पीस लेंगे। तो ये दही बड़े का मसाला बनकर के तैयार हो गया।
अब हम गैस चलाकर कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, तेज आंच पर गर्म कर लेंगे, आंच धीमी कर देंगे। हाथ को हल्का सा गीला कर लेंगे, एक छोटा सा बैटर का टुकड़ा इसमें काट करके डालेंगे, तो ये देखिए डालते ही ऊपर आ जा रहा है। तेल हल्का सा गर्म है, यानी कि तेज आंच पर गर्म करना है, फिर आंच को धीमी कर देना है, और इस तरीके से बैटर को तेल में छुआते हुए पकौड़े को हमें काटना है। अगर तेज आंच पर इस पकौड़े को आप डालेंगे तो ये तुरंत लाल हो जाएगा, अच्छी तरह से सीख नहीं पाएगा। तो ये देखिए हमने जितनी कढ़ाई में ये दही बड़े आ रहे थे उतने बड़े को हमने डाल दिया। ये अपने आप पलटते हैं, इसमें पलटने की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए नीचे से ये सेकते जाएंगे और ये पलटते जाएंगे इस तरीके से, आंच धीमी रखेंगे इस तरीके से। कोई आप पतली सी चीज ले लीजिएगा और इसे आप जब टच करेंगे तो ये उलट जाएंगे, अगर आप पलटे से इसे चलाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा मार देंगे इस तरीके से, और जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा इसे हम बाहर निकाल देंगे। इसी तरीके से बचे हुए बैटर का भी हम बड़े बनाएंगे, तो तेल को छुआते हुए बड़े काटेंगे इस तरीके से। छोटा या बड़ा साइज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, वैसे भी ये बड़े फूलते हैं तो डबल हो जाते हैं। थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे, जैसे ही पानी का छींटा मारेंगे ना ये बड़े पलट जाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इसे हम चला देंगे, कोई पतली चीज ले लीजिएगा, और जो हमने पहले बड़े को फ्राई किया हुआ था उसे भी साथ में डाल देंगे, और दोनों को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। तो ये हलवाई का ट्रिक है, पानी का छींटा मारना और एक बार बड़े फ्राई करने के बाद उसे निकाल कर दोबारा फ्राई करना। यहाँ हमने बचे हुए बड़े को भी फ्राई कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे ना कि इसमें इस तरीके से छेद कर देंगे, तो इसका हम छाछ बड़ा बनाएंगे। बस बड़ों को काटना है, जैसे ही हल्का सा वो कड़क हो जाएंगे इस तरीके से छेद कर दीजिएगा और इसे बाहर निकाल दीजिएगा, इसे हम किनारे रख देते हैं। अब बचे हुए बड़े के बैटर में हमने दो आलू को कद्दूकस कर लिया, इसमें थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डाल दिया। अब छोटे छोटे बड़े बना लेंगे, तो ये आलू बड़े हैं, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये भी काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी टेस्टी होते हैं, इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो जो बड़े का बैटर होता है उसी में हमने आलू को कद्दूकस कर डाल दिया था और बड़े बना लिया। यहाँ हमने सारे बड़े को तैयार कर लिया, यानी कि फ्राई कर लिया। अब इसे मैं काट करके आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हुए हैं, काफी जालीदार हैं, काफी सॉफ्ट हैं और काफी स्पंजी हैं। इस तरीके से दबा करके दिखा रही हूँ और इसे तोड़ करके मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब ये पानी हल्का सा गर्म है, इसमें हम डाल देंगे बड़े को। तो आप पूरे बड़े नहीं डालिएगा, जितने आपको खाने हैं उतने बड़े को ही भिगोइएगा। तो यहाँ हमने जो छाछ बड़े थे उसको डाल दिया और कुछ बड़ों को डाल दिया। इसके ऊपर प्लेट से इस तरीके से दबा देंगे ताकि ये नीचे चले जाएं। इसके ऊपर बट्टा रख देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बस ध्यान रखना है कि पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। 20 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देंगे और ये देखिए बड़े हमारे बिल्कुल फुल करके डबल हो गए। इसे मैं काट करके भी आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए काफी सॉफ्ट हैं, काफी जालीदार हैं और काफी स्पंजी हैं। ये देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से आप बड़े को बना सकते हैं। दही को हमने फेट करके रखा था फ्रिज में, इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच पिसा हुआ चीनी और अच्छी तरह से मिला देंगे, और बड़े को हल्का सा हम इस तरीके से पानी को निचोड़ेंगे, बहुत ज्यादा इसे नहीं दबाएंगे, और एक बर्तन में इस तरीके से लगाते जाएंगे। इस छाछ बड़े को हम बाद में छाछ बनाएंगे, उसके बाद भिगोएंगे। यहाँ हमने बर्तन में बड़े को लगा दिया, इसके ऊपर डाल देंगे दही, और दही डालने के बाद इसे आप 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। इसके ऊपर मीठी चटनी डाल देंगे। तो यहाँ हमने प्लेट में चार दही बड़े निकाल लिए, इसके ऊपर मीठी चटनी, तीखी हरी चटनी, और यहाँ हमने जो दही बड़े का मसाला बनाया हुआ था इसको डाल देंगे ऊपर से, और थोड़ा सा अनारदाना डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, यानी काला नमक या फिर थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। और ये हमारे बिल्कुल नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले दही बड़े तैयार हैं। इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।